हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे पे स्लिप बनाना बताऊंगा। ये मेरी दूसरी पे स्लिप की वीडियो है, इससे पहले ही मैं पे स्लिप की वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्लिप का फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय। और यहाँ पे जो भी नाम लिखना है वो नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मिस्टर राकेश कुमार। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में हम डालेंगे यहाँ पे जैसे हम डाल देते कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के बारे में डालेंगे, तो डिपार्टमेंट में हमने सपोर्टेड यहाँ पे डाल दिया HRD डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे बेसिक सैलरी। उसके बाद यहाँ पे HRA, उसके बाद कन्वेंस, उसके बाद स्पेशल अलाउंस, उसके बाद हमने सबऑर्डिनेट डाल दिया अदर अलाउंस। फुल नेम भी लिख सकते हैं हम, तो फुल नेम ही लिख डाल देता हूँ मैं। स्पेशल अलाउंस और अदर अलाउंस मैंने फुल नेम में डाल दिया, दोबारा अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं अदर अलाउंस के बाद सपोज डेट, एक लाइन छोड़ देते हैं, एक लाइन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस टोटल डाल देते हैं। उसके बाद ये हो गया मेथड, इसे हम यहाँ से ये इसे हम यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट करते हैं, इसकी सिधाई में आ गया। उसके बाद इसे यहाँ पे रखते हैं, ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पे सैलरी होगी हमारा, ओके ओके। तो इसमें हमें लाइनिंग खींचनी पड़ेगी सीधी सी, तो हम यहाँ पे डालते हैं ओके। तो लाइनिंग 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 खींचने के लिए इसे सिलेक्शन, फिर इसे सिलेक्शन, फिर इसे सिलेक्शन, फिर इसे सिलेक्शन, फिर इसे सिलेक्शन। ऐसे हम एरिया सेलेक्ट कर करके लाइनिंग खींच लेंगे ऐसे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम सैलरी बेसिक बेसिक सैलरी यहाँ पे हम डालते हैं। चलिए फिलअप करते हैं बेसिक सैलरी को।
तो बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे सपोर्टर डाल दिया, बेसिक सैलरी 18,000, 18,000। उसके बाद हमने बेसिक सैलरी के बाद एचआर ही निकालना है, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 15%। उसके बाद हमें कॉन्वेंस निकालना है, इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 12%। इसे हम कर देते हैं 15 की जगह 30%। उसके बाद स्पेशल अलाउंस, इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 10% और अदर अलाउंस भी इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 10%। ओके, अब यहाँ पे ग्रो एंड टोटल करेंगे, इक्वल इस पर क्लिक करेंगे, प्लस 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 और ये भी प्लस, ये टोटल आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये हो गया एक पार्ट, अब सेकंड पार्ट की बारी है। तो सेकंड पार्ट सैलरी, इसके सीधा ही में आते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं PPF माना कि, और एक हम यहाँ पे डाल देते हैं मान लीजिए PPF ESI। उसके बाद हम यहाँ पे डाल दिए मान लीजिए मेडिकल। ओके, और PPF ESI मेडिकल, ये तीनों चीज़ निकालेंगे अब यहाँ पे। तो PPF का सपोजेट यहाँ पे निकाल लेते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई PPF हो गया 12, सॉरी ये क्या हो गया, इक्वल बेसिक सैलरी, इक्वल बेसिक सैलरी स्टार, हमने यहाँ पे सपोजेट डाल दिया 12%, ये PPF हो गया। ESI इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 3.5%, और मेडिकल भी निकालते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 3.5%। तो ये हमारा ESI और मेडिकल निकल आया। उसके बाद इसे भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा एक अधूरा फॉर्मेट अब तैयार ही हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे नेट, सॉरी NET नेट पेबल, PAYBLE नेट पेबल, और नेट पेबल में यहाँ पे हम इक्वल पहले हम इसके अमाउंट को जोड़ लेते हैं, पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रोस और नेट पेबल। तो नेट पेबल को हम यहाँ से यहाँ रख लेते हैं इसे, और यहाँ पे हम डालते हैं ग्रोस टोटल, और यहाँ भी डाल देते हैं TOTAL टोटल, और इसका टोटल निकालते हैं, इक्वल ये प्लस ये प्लस ये। तो ये हमारा ये इतना बैठा। अब नेट पेबल निकालने के लिए इक्वल इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस वाले को, और ये हमारा बन गया नेट पेबल। अब हम इसे सभी को सेलेक्ट करके, सभी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ऑल बॉर्डर बन गया। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी सिलेक्शन करेंगे और इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसके अंदर की लाइनों को डिलीट करना होगा हमें, ये हमने कर दिया नो बॉर्डर, और एक एक को बॉर्डर करना पड़ेगा हमें। ये हमने बॉर्डर बना लिया एक एक का, और उसके बाद इसका अप वाला बॉर्डर बना लेते हैं, टॉप बॉर्डर। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया। सैलरी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सैलरी को हम मीडियम में, मिडल में भी कर सकते हैं वैसे चाहे तो। चलो सैलरी हो गया, यहाँ डिडक्शन लिख लेते हैं, DEDUCTION डिडक्शन। ओके,
उसके बाद इसमें भी हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, सैलरी डिडक्शन चाहे तो इसके बॉर्डर को हटा भी सकते हैं, नो बॉर्डर ही कर लेते हैं, नो बॉर्डर। और इसी वाले एरिया को सिलेक्शन करके एक बार बॉटम और एक बार टॉप, अब इसे सेट करते हैं। सही है, वैसे ये सही जगह है। ओके, इसे भी बंद करना होगा इधर से, सॉरी ए और लेफ्ट साइड से। अब इसे थोड़ा डार्क करते हैं, सिलेक्शन बोल्ड, सिलेक्शन बोल्ड, सिलेक्शन बोल्ड, सिलेक्शन बोल्ड, सिलेक्शन बोल्ड, सिलेक्शन बोल्ड, सिलेक्शन बोल्ड। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा। अब इसमें हम कंपनी का नाम वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए इसमें बीच में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे स्लिप ही बीच में यहाँ आएगा, पे स्लिप PAY SLIP पे स्लिप। और इसे हम मिडल में कर देते हैं, इधर कर देते हैं। ओके, और उसके बाद इसका भी एरिया सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद चारों ओर से हम यहाँ पे डार्क बॉर्डर कर देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसे, थोड़ा और इधर इधर की ओर खिसकाएंगे। भाई मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा पे स्लिप हो गया, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पे स्लिप। चलिए यहाँ पे डेट डालते हैं, डेट, और यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे आज की तारीख डाल देता हूँ, 31 जनवरी 2017 बोल्ड करते हैं। और इसे हम थोड़ा सा डार्क ही कर लेते हैं, ये हमने कलर कर लिया, सॉरी सॉरी इसका कलर कर लेते हैं वाइट। यस, तो ये हमारा हो गया पे स्लिप तैयार। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।